टोटल कितने स्पीकर है गाड़ी में भाई? इसमें 8 स्पीकर है, 2 सबवूफर है, वो 24 थे। तो उसमें और इसमें कैसे कंफर्ट नहीं था यार, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था, और वो टायर भी फूल गए थे 2-3। साइड लुक दिखाऊं तो भाई ये देखो, ऐसी लग रही है जैसे मॉन्स्टर ट्रक हो। फॉर्च्यूनर ही लेने गए थे भाई, फिर एंडेवर का मन बन गया वहाँ जाके। भाई साइड से भी कम से कम 4-5 इंच बाहर होंगे ना, ज्यादा है उससे भी। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगे। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है आपको यार। एंडेवर हमने बहुत सारी दिखाई है, तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ये देखो भाई व्हाइट कलर की एंडेवर, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लग रही है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है ऋतिक भाई, तो कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और भाई गाड़ी देख रहे हो क्या अल्टीमेट लग रही है। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा मॉडल है अपनी कार का? ये 17 का लास्ट है भाई, 17 का लास्ट है। और अभी हम फिलहाल आए हुए हैं भाई करनाल में, है ना भाई? हाँ। तो भाई करनाल में आए हुए हैं, आप सभी को दिखा रहे हैं, आप जो घर बैठे वीडियो देख रहे हो, तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना फटाफट से। तो भाई वेरियंट वगैरह कौन सा है ये भाई? टाइटेनियम है, जो सबसे टॉप मॉडल आता था उसमें। अच्छा अच्छा, वही है ये। तो ये वही है तो भाई मतलब कि जब आप 2.2। अच्छा, तो आपने ये न्यू ली थी या कैसे? नहीं, सेकंड हैंड ली थी भाई। तो मतलब इसमें जब आप इसको लेने गए थे तो फॉर्च्यूनर की भी सोची होगी कि भाई फॉर्च्यूनर ही लेने गए थे भाई, फिर एंडेवर का मन बन गया वहाँ जाके। अच्छा अच्छा, तो आप कौन सी बढ़िया लगती है, फॉर्च्यूनर बढ़िया लगती है एंडेवर? एंडेवर बढ़िया लगती है भाई। भाई एक तो इतने सारे फीचर वगैरह है इसके अंदर, सनरूफ वगैरह सारी चीज मिल जाती है ना, फॉर्च्यूनर से बहुत ज्यादा फीचर है इसमें, है ना? तो देखो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसकी जो भाई जो लुक वगैरह सब चीजें, एक तो उससे बहुत ही ज्यादा चौड़ी लगती है और पैसे में उससे कम है ना भाई, उससे तो हर चीज में ही अच्छी है। अरे वाह, तो भाई ये तो है। तो भाई इसमें पहले अपने दूसरे वाले अलॉय मिलते हैं ना, पहले कितने थे इसमें? 24 थे। तो उसमें और इसमें कैसे कंफर्ट नहीं था यार, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था, और वो टायर भी फूल गए थे 2-3। अच्छा, तो आपने नए डलवाए थे? हाँ। तो चाइनीज टायर होंगे तो इसलिए फूल गए क्या? नहीं नहीं, वो ज्यादा लो प्रोफाइल थे तो ऐसे खराब रास्ते पे जाती है, तो इसकी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो भाई गाड़ी ना ये बहुत ही हैवी है इसलिए भी, है ना? हाँ। तो भाई अगर मैं फ्रंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो फ्रंट से भाई ये कुछ इस तरीके, भाई ने एलईडी वगैरह इसमें इंस्टॉल कराई है। तो भाई कितने वाट की एलईडी वगैरह इसके अंदर? 120 की है। 120 तीनों में? नहीं नहीं नहीं, जो इसमें और इसमें तो 120 है, ये कंपनी की आती है। अच्छा, ये कंपनी की है, चेंज नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये चेंज नहीं होती। तो भाई ये है कुछ इस तरीके से। तो रूट्स के हॉर्न वगैरह सब चीज लगे हुए हैं और ब्लैक शीशे, भाई एक नंबर लुक आती है। रिकमेंडेड नहीं करता कहीं आप बाइक देखा देखे में वैसे लगवाने लगो। साइड लुक दिखाऊं तो भाई ये देखो, ऐसी लग रही है जैसे मॉन्स्टर ट्रक हो। एक तो इसके टायर इतने चौड़े हैं, ये चेक करो भाई, ये देखो भाई, साइड से भी कम से कम 4-5 इंच बाहर होंगे ना, ज्यादा है उससे भी। ये व्हील डीप वाला है। अच्छा, ज्यादा चौड़ाई होती है बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी टायर प्रोफाइल अगर आपको दिखाना चाहूँ तो भाई ये है 285/50R20। तो भाई ये 20 इंच के भाई ये अलॉय व्हील्स है, तो ये भी आपने नए लिए थे? हाँ, नए लिए। तो भाई जैसे अगर इधर पास आओ एक बार, तो ये जैसे निशान से आ रहे हैं, ये किस तरीके के मतलब? ये चल गए टायर, बहुत ज्यादा चल गए टायर। अच्छा, चेंज करवाने के। अच्छा अच्छा, तो भाई ये है अपने टायर गुडियर के। पिछली बार जो थे वो चाइनीज थे, तो इनमें मजा है जैसा आप बता रहे हो ना? नहीं, इनमें तो बहुत मजा है, कंफर्टेबल है, फुल कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें ना भाई प्रोफाइल भी आपकी बहुत मोटी है। और अलॉय व्हील का डिजाइन जो देख रहे हो भाई, ये कुछ इस तरीके से है। तो भाई कितने के क्या पड़े थे आपको ये? पड़े थे व्हील टायर 120-130 के आसपास, 120-130 के आसपास के। तो ये कहाँ से डलवाए थे आपने? पंजाब? नहीं, चंडीगढ़ से डलवाए थे। चंडीगढ़ से? तो भाई ये है कुछ इस तरीके। गारंटी वगैरह भी देते हैं क्या इसकी अलॉय की?
अलॉय की तो बस रंग की गारंटी होती है, रंग फेड नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, टूटने की तो देखो कोई भी नहीं देता इनकी। तो एवरेज वगैरह की बात करो तो भाई कितनी एवरेज दे रही है अपनी? अभी 8-9 की एवरेज दे रही है। 8-9 की, और जब पहले थे अपने 24 उसमें 6 की दे रही थी, उसमें 6 की दे रही थी। और ये देख रहे हो भाई ने ना ये फुटस्टेप ने हटाए हुए, तो ये बहुत ही ज्यादा ऊंची है ना, तो इसमें एक छोटा बच्चा आराम से नीचे निकल जाएगा है ना। तो ये है कुछ इस तरीके की, साइड से पीछे से अगर दिखाना चाहूँ तो ये है कुछ इस तरीके की, पिलर लाइट वगैरह लगी हुई है, अपने हिंदू का स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है और नीचे अपने रिफ्लेक्टर भी लगे हुए हैं ना। तो ये कुछ इस तरीके की है। तो भाई इसमें अगर टेल लाइट्स का ऑप्शन भी आता है कि वो चेंज करा लो या है ना, वो मैट्रिक्स लाइट आती है बिल्कुल। और इधर भाई ने ये इंडेवर वाला, ये इसमें अपनी लाइट भी जलती है ना। तो ये कुछ इस तरीके, बाहर से भाई हमने साइड दिखा दी, तो भाई अब अंदर चलते हैं। उससे पहले भाई इसमें सबवूफर कंपनी से आता है अपना, तो एक बार दिखाओ पीछे डिग्गी में आता है, आपको डिग्गी ओपन करके दिखाते हैं। तो भाई साहब ये देखो भाई, इसका जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो एक नंबर है, एक इधर लगा हुआ है अपना ये सबवूफर। तो इसमें टोटल कितने स्पीकर है गाड़ी में भाई? इसमें 8 स्पीकर है, 2 सबवूफर है। 8 स्पीकर है और 2 सबवूफर है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं, आउटपुट वगैरह आपको सुनाएंगे कि किस तरह की आने वाली है। तो भाई अंदर से जो इसकी लुक है ना भाई, फुल एंड ये देखो कुछ इस तरीके का इंटीरियर वगैरह सब चीज़ होती है, ऊपर की रूफ ब्लैक होती है। तो ये है अपनी ऑटोमेटिक, भाई आउटपुट वगैरह सुनाने वाले किस तरह के आने वाले, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। भाई एक बूफर इसमें अपना पीछे, एक इधर है ना, तो ये रहा भाई आउटपुट, भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो मतलब सिस्टम में कुछ छेड़खानी कराने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर है ना। तो भाई ये कुछ अंदर से इस तरीके की है। इंटीरियर में देखी जाए तो जब भी फॉर्च्यूनर से बहुत ऊपर है ना भाई, इंटीरियर हो गए, सनरूफ वगैरह मिल जाते, मीटर वाइज का कुछ इस तरीके का मिलता। तो भाई कितने चला दिया आपने? मैंने भाई 10,000 के आसपास चला दिया। 10,000 के आसपास चला दिया और बढ़िया रिस्पॉन्स है ना। हाँ। तो भाई ये देख रहे हो, तो भाई कभी ऑटो पार्क करी है आपने? नहीं अभी ट्राई नहीं किया बस। कह रहे हो कि इतनी देर में मैं खुद अकेले लगाया। हाँ। तो मैं इतने ऑटो पार्क करूंगा। तो भाई ये है कुछ इस तरीके, हमने साची आपको दिखा दिया है। तो भाई कितने का क्या खर्चा इसमें आपने ऊपर से करा हुआ है? इस पे भाई पहले तो वो व्हील डलवाए थे, 3-4 लाख रुपए लग ही गए हैं। अच्छा मतलब वो उतने 24 इंच कितने के थे? वो पड़े थे 270 के। 270 के, और ये वाले कितने थे अपने? 21-21 के आसपास। तो पीपीएफ सर्विस वगैरह भी है गाड़ी पे? नहीं बस अपना इतना है और एलईडी वगैरह इसके अंदर चेंज है ना। तो ये है सारची भाई का इंस्टाग्राम आरोगो सिंबल, किस नाम से रहने वाला भाई? रोड ब्रांड 18 के नाम। बिल्कुल जाके भाई को फॉलो करो, हमें फॉलो करो भाई, इतनी धूप में और इतनी दूर से आए भाई आप सभी के लिए वीडियो बनाने। तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर देना कैसे लगे आप सभी को वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।